उज्जवल मॉडल स्कूल में टीचिंग के प्रोफेशन में शानदार करियर बनाने का सुनहरा मौका। ज्यादा जानकारी के लिए एड में दी गई चीजों को ध्यान से पढ़ें और संपर्क करें दिए गए नंबरों पर, और आज ही अपने सीवी को भेजें दिए गए ईमेल एड्रेस पर। आज ही संपर्क करें एक सुनहरे भविष्य के लिए, तो देर किस बात की। यूपी के बलिया जिले के नरही थाना क्षेत्र के अंतर्गत बैरकंटी गांव में दियारे से आए हुए तेंदुए से गांव में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों द्वारा सूचना पर पहुंची पुलिस द्वारा तेंदुओं को भगाने पर गुस्साए तेंदुए ने पुलिस और ग्रामीणों पर हमला कर दिया। हमले में नरही थाने के SI समेत 4 अन्य ग्रामीण घायल हो गए, जिन्हें ग्रामीणों ने नरही CHC सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भर्ती कराया, जहां उनका इलाज चल रहा है। नरही थाना क्षेत्र के बैरकंटी निवासी राकेश राम गांव के पास स्थित बैर के बगीचे में बैर तोड़ने गया था। वहीं पर बैठे तेंदुए ने अचानक उस पर हमला कर दिया। शोरगुल सुनकर अन्य ग्रामीण भी वहां पहुंच गए, जिसमें हमले के शिकार हो गए। सूचना पर पहुंची नरही पुलिस ने तेंदुए को भगाना चाहा, तभी गुस्साए तेंदुए ने पुलिस टीम पर भी हमला कर दिया, जिसमें SI पंकज सिंह घायल हो गए। उन्होंने बताया कि तेंदुआ काफी गुस्से में है, ग्रामीणों को उससे बचने की सलाह देते हुए और पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। उप निरीक्षक पंकज कुमार सिंह, आदेशानुसार सचिव महोदय के सूचना मिली कि जो है तत्काल 56 के डेरा से पहले एक स्थान कौन सा बरकंटी पड़ता है, सड़क के बगल में एक मान था, उसमें तेंदुआ जो है आकर के घुसा हुआ था। जो हमारे पहुंचने से पहले दो लड़के बैर तोड़ने के लिए गए थे, उनके ऊपर अटैक किया, वो लड़के घायल हो गए। हम लोगों के पहुंचने के बाद कुछ लड़के जो है उस पर मिट्टी का पत्थर चलाए, इस उद्देश्य से चलाया गया कि सामने खेत था, खाली था, गंगा जी की तरफ रास्ता जाता है, ये निकलेगा और भाग जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ग्रामीणों के ऊपर उसने निकल करके अटैक किया और मैं उनको जब बचाने गया तो मेरे ऊपर 3 बार अटैक किया। तीनों अटैक खतरनाक था और मुझे छोड़ करके एक ग्रामीण को अपने जबड़े में दबोच लिया था, और मेरे मारने पर, लाठी मारने पर फिर तिबारा हमारे ऊपर अटैक किया, और जिससे सर में काफ़ी चोट आई है, बांह में 3-4 जगह दांत धंसा हुआ है, जो आधा इंची 1 इंची गहरा है। यही है सर। इसके अलावा अभी वहाँ पर क्या व्यवस्था है आपकी तरफ? फोर्स हमारे तरफ से लगी हुई है, हमने वहाँ फोर्स प्रिकॉशन के रूप में रख दिया है, और SHO महोदय भी मौके पर मौजूद हैं। वन विभाग को सूचना दे दी गई है, संबंधित अधिकारी को इस संबंध में सूचना दे दी गई है, ग्रामीणों को उससे बचने की सलाह दी गई है। हो सकता है रात में निकले और गंगा जी की तरफ चला जाए, वो बौखलाया हुआ है, गुस्से में है, काफ़ी आक्रोशित है, अगर जनता छेड़छाड़ करेगी तो हो सकता है घटना दुर्घटना कर सकती है। रजनीश कुमार वर्मा। रजनीश, कहाँ घर है आपका? बरकंटी। जिस समय यह घटना हुई उस समय आप कहाँ थे? वहीं पे थे, मौजूद थे वहीं पे। वहीं पर? हाँ। ये कैसे हुआ पूरा मामला? ये पूरा मामला, वो गए थे रोगा जी के बचाने में, रोगा पगमन ने घर घर गया कर देते हुआ। इस समय वहाँ वन विभाग के लोग हैं या नहीं? इस समय वन विभाग के वो लोग नहीं है। वन विभाग को आप लोगों ने सूचना दिया? सूचना दिया है। मोबाइल स्विच ऑफ जा रहा था? हाँ, स्विच ऑफ जा रहा था। अभी मोबाइल नहीं खुला है वन विभाग का? अभी नहीं खुला है। केवल थाना के लोग पहुंचे थे? थाना के लोग पहुंचे थे वहाँ पर। जिसमें दरोगा जी भी घायल है? दरोगा जी भी घायल है। सिपाही भी घायल है? सिपाही नहीं होगा, दरोगा जी भी घायल है। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं, ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।